गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए के आंदोलन पर बोले आयुर्वेद चिकित्सक संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव। कहा सरकार का फैसला सराहनीय, पीड़ित मरीजों से लूट खसोट करने वाले चिकित्सक ही कर रहे हैं विरोध। सबसे सस्ता और सुलभ इलाज करता है आयुर्वेद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के तहत जिले में 30 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा। 6,737 परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल, जबकि 6,589 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एडीएम सिटी ने दी जानकारी। सपा जिलाध्यक्ष रंगीना प्रसाद साहनी ने किया प्रेस वार्ता। कहा सोमवार को समाजवादी नेता नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में कोविड-19 का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे धरना प्रदर्शन। महानगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए रिक्रूट महिला कांस्टेबलों को दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण। यातायात नियमों के बारे में किया गया जागरूक। गोरखपुर में रविवार को मिले 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,503। अब तक 330 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 422 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। चिलुआताल पुलिस ने हत्या के आरोपी मोहरीपुर तहरावा निवासी एक अभियुक्त राम प्रयाग को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। क्रिसमस डे पर्व के आगमन के पूर्व ही तीसरे रविवार को क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा किया गया आयोजित। चर्च में मसीही समुदाय के लोगों द्वारा की गई विशेष प्रार्थना। और जनपद में कई दिनों से छाए कोहरे के बाद रविवार को सूर्य देव का हुआ दर्शन। नागरिकों ने घर से बाहर निकलकर मार्केटों में की खरीदारी, धूप का उठाया लुफ्त।